दीप गोर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। दीप बताइए। सर मेरा सवाल सनफार्मा पे है। मैंने 820 का कॉल ऑप्शन जुलाई सीरीज का 12 रुपीज 30 पैसे पे लिया है, सो अब उसका क्या करूं? सर फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत बढ़ रहा है लेकिन ये स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा। आपने यहाँ पर कॉल ऑप्शन लिया और ये आपका ऑप्शन इस वक्त अगर हम देखें तो आपको लॉस में ही है। 12:30 की कॉस्ट है और 9.25 रुपये पे फिलहाल ये चल रहा है। इस वक्त की क्या पोजीशन है सनफार्मा की, वो भी हम देखते हैं, क्योंकि आपने लिया है 820 के लेवल पर। 833 के ऊपर जाएगा तो आपकी कॉस्ट कवर होते हुए हम मुनाफे की बात सोचेंगे इसमें, तो काफ़ी दूर है अभी तो 20% की कम से कम, माफ़ कीजिएगा 10% की कम से कम यहाँ पे उछाल है तो आपको मुनाफा आएगा। किरण क्या कहेंगे? प्रदीप जी, अगर मई 2015 से एक सारे टॉप्स को ज्वाइन करते हैं और एक ट्रेंडलाइन खींचते हैं कि उसकी वैल्यू करीबन 800-820 तक आती है, मुझे नहीं लगता बेस्ट के सिनेरियो में ये क्रॉस करता नजर आएगा, तो ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल काम करती हुई नजर नहीं आएगी। कई फार्मा स्टॉक्स अच्छे दिखाई दे रहे पर सनफार्मा में ऐसे कोई पॉजिटिव डाइवर्जन दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि नेगेटिव डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। तो मैं इस क्लाइंट इस कॉलर को ये सलाह दूंगा कि आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल बने रहना चाहिए। 760 स्पॉट रेट है जिसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 760 के नीचे चलना चालू कर देता है ये स्टॉक तो बिल्कुल निकल जाना चाहिए स्टॉक से।